हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने अकाउंटेंसी के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास करो बेटा, सब कुछ करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, बड़े सिंपल वे में, और हर एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कराना है मुझे। आप बस जुड़े रहना। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के सेकंड पार्ट, जिसमें क्लास 11th के पूरे चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे। जी हाँ, मैं चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की। तो यहाँ पर आज हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर में क्या है वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक पार्ट आपने जरूर देख लिया होगा मेरा, अगर नहीं देखा तो पहले बेटा वो देख लो। उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आते हैं, और वो आपके लिए जानने जरूरी है। और आज के पार्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो बस आराम से बैठें, आराम से सुने, कॉपी पेन साथ में रखना हो तो रख ले, नहीं तो आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं बेटा, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिलने वाले हैं आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो उन सभी चीजों की बात करने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और किसी भी सूरत में इस चैप्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां से हमारा बेस बन रहा है। तो देखिए, पिछली बार जो हम लोगों ने सेशन किया था, जो पिछला वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका लिंक अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहां पर मैंने दे दिया है, इसमें हमने अकाउंटिंग के पूरे प्रोसेस को समझ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कुछ डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स के, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक जो मुझे लगता है कि आज लेना चाहिए बेटा, वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यहां पर ये जो टॉपिक है बेटा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये पहले लिया है मैंने, इसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स लूंगा ताकि आपको लिंक बना के बता सकूं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। बड़ा सिंपल सा है बेटा, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग करने वाले हैं, उससे कुछ ना कुछ आउटकम निकलने वाला है, और वो आउटकम निकलता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। वो जो समराइज वाला पोर्शन हम लोगों ने पिछले सेशन में समझा था, बस अब उसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज करता है वो हो गए हमारे यूजर्स। बड़ा सिंपल है। तो ये जो हमारे यूजर्स है ना बेटा, ये यूजर्स दो तरह के हैं। एक तो है जी इंटरनल, और एक है बेटा एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, इंटरनल का मतलब है जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं। बिजनेस के अंदर में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक तो खुद मैनेजमेंट, एक तो जी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट जो भाई बिजनेस को मैनेज कर रही है, डिसीजन ले रही है, वही तो है मैनेजमेंट। और उसके अलावा है जी इसके एम्प्लॉयज, जो एक्चुअल में यहां पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, राइट? तो यहां पर ये दो तरह की कैटेगरीज होती हैं इंटरनल में, जिनको हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है बेटा। ये यूजर्स होते हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, ये हमें हेल्प करती है बिजनेस के बारे में जानने के लिए कि बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, राइट? तो यहां पर क्या होता है, मैनेजमेंट को क्या जरूरत होती है? देखो, मैनेजमेंट ही तो है सारे डिसीजन जिसने लेने हैं, मैनेजमेंट को ही तो वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे कि उसको पता चल जाए कि जो हमारा बिजनेस है वो कहां पर है, कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। उसके बेसिस पर, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है। किस तरह के डिसीजन? बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस भाई, कि और क्या लाना चाहिए और क्या हटाना चाहिए, फलाना, बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं। वो सारे के सारे डिसीजंस हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से ये लोग लेते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इंप्लॉयज, तो भाई इंप्लॉयज को क्या मतलब है? इंप्लॉयज ने तो आना है, अपना काम करना है, उनको सैलरी मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा, बट क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी कंपनी के साथ, हमारी फर्म के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? वो अकेले नहीं जुड़े हुए, उनका पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इनको पूरा राइट है ये जानने का कि जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं उस फर्म का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या कहता है, वो जो फर्म है, वो जो बिजनेस है, वो बिजनेस कैसा चल रहा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है,
इस वजह से ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में। पहली बात ये तो हो गई इंटरनल। अब बात करते हैं एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में कौन कौन होते हैं? एक्सटर्नल में तो बहुत सारे लोग होते हैं भाई। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट नज़र रखना चाहती है कि भाई ये बिजनेस कैसा कर रहा है, कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। प्लस जो मेजर इसका इंटरेस्ट होता है वो होता है इसका टैक्स, कि क्या ये जो बिजनेस पैसा कमा रहा है वो सही तरीके से उसका टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। इसके अलावा जो भी हमारे सप्लायर्स हैं बेटा, सप्लायर्स, अब ये सप्लायर्स का मतलब यही लोग तो बनते हैं हमारे क्रेडिटर्स। मतलब क्या हुआ भाई? जो हमें माल देते हैं, जो हमें गुड्स देते हैं, जो कि हमारे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और वो रॉ मटेरियल वो कभी कभी उधार में भी देते हैं, इसलिए तो उनको क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? वो लोग जो हमें हमारा मटेरियल उधार पर दे रहे हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो उनको भी जानने का पूरा राइट है कि भाई इनकी फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, ताकि मैं इनको उधार दूँ या ना दूँ। इसके अलावा जो हमारे कस्टमर्स होते हैं बेटा, ये जो कस्टमर्स होते हैं ये भी जानना चाहते हैं कि भाई ये जो बिजनेस है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये इनको क्या मतलब है भाई, इन्होंने सामान लिया काम खत्म हो गया? जी नहीं। आज अगर मैं किसी का कोई प्रोडक्ट को बाय कर रहा हूँ या किसी सर्विसेज को बाय कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस पर्टिकुलर कंपनी पर मैं ये पैसा खर्च कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर फर्म के ब्रांड के प्रोडक्ट पर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, वो कितनी सस्टेनेबल है। कल को अगर मुझे इस प्रोडक्ट में, मेरी कोई इन सर्विसेज में कोई दिक्कत आती है, तो क्या ये कंपनी उसमें सपोर्ट कर पाएगी या उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो जानना मुझे ज़रूरी है एज आ कस्टमर, राइट। इसके अलावा और कौन हो सकता है बेटा? इसके अलावा हो सकते हैं भाई बैंक्स, जितने भी हमारे बैंक्स, और इसको हम लोग कह सकते हैं जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक का क्या रोल है इसमें? देखो भाई, हमें पैसा कौन देने वाला है? उधार की बात कर रहा हूँ भाई, उधार की बात कर रहा हूँ। कल को बिजनेस को प्रोजेक्ट्स आएंगे तो पैसा भी तो चाहिए होगा ना, तो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही हैं जो कि हमें पैसा देने वाले हैं। तो ये लोग पहले हमें जानना चाहेंगे, ये हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझना चाहेंगे कि भाई ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसी के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना पैसा देना है या नहीं देना है भाई। तो ये भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो भाई नॉर्मल पब्लिक, हाँ जी पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है। क्यों पब्लिक इंटरेस्टेड है? कल को हो सकता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा हो, राइट। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप क्या करते हो, आप पब्लिक के पास जाते हो उनको शेयर्स देने कि भाई लो जी हमारी बिजनेस का, हमारी कंपनी का शेयर है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, हम काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। यही तो होता है ना शेयर्स का मतलब, राइट। अभी नहीं मालूम आपको शेयर्स का मतलब, बस छोटे से बात ये समझ लो, शेयर्स का मतलब होता है जब हम लोग नॉर्मल पब्लिक से, एज अ बिजनेस, मैं बिजनेस हूँ, मैं नॉर्मल पब्लिक से कुछ पैसा लेता हूँ और ये कह करके लेता हूं कि जितना भी इस पैसे से मैं पैसा कमाऊंगा उसमें आपका भी कुछ शेयर होगा, राइट, उसे बोलते हैं शेयर। तो यहां पर नॉर्मल पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। आई होप इतनी थ्योरी इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बात यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हमारे अकाउंटिंग में बेटा ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आपको मैं एक ही बार में बता देता हूँ बेटा। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में अलग अलग टॉपिक्स के रूप में दे रखी है कि रोल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। उन सभी चीज़ों को एक ही साथ समेट लेते हैं
और मैं आपको 4 से 5 ऐसे पॉइंट दे देता हूं जो हर एक तरह के क्वेश्चन में फिट हो जाएंगे। बस आप वो 4-5 पॉइंट्स ही समझ लो, उन्हीं को ही याद कर लो, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें ये बेधड़क होकर के फिट करके आ जाना, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपकी हेल्प करने के लिए तो हूं मैं बेटा, आपका काम आसान करने के लिए तो हूं मैं। तो चलिए समझते हैं अगला हमारा टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके अगले टॉपिक में कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी अकाउंटिंग के, फंक्शंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, या फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो भाई ये 5 पॉइंट्स बस टीप किया जाना। यही 5 पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको समझा देता हूं जल्दी जल्दी से, और यही सारे के सारे पॉइंट्स एज इट इज, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पूछ ले, चाहे वो फंक्शंस पूछ ले, चाहे वो एडवांटेजेस पूछ ले, या फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग पूछ ले, सेम पॉइंट्स आपको हर जगह पर फिट कर देने हैं बेटा, हो गया काम। और 4 से 5 पॉइंट्स ही मैक्सिमम पूछता है आपके एग्जाम में, बस आपको इतने से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो बहुत आसान होने वाला है काम। प्लस इससे हमारा एक बेस भी स्ट्रांग होने वाला है, हमें ये सारी बातें समझनी जरूरी भी है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि भाई अकाउंटिंग हमें क्या हेल्प कर रहा है, हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करी थी ना पिछले सेशन में, वही ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी फाइनेंशियली हो रही हैं बिजनेस के अंदर, हम उनको बड़े सिस्टमैटिक मैनर में अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं, मेंटेन करते हैं उनका रिकॉर्ड, पता चल जाए ताकि किस पर्सन ने कितने का उधार लिया, कितने का हमारा सेल्स हुआ, कितना हमने परचेजेस किया था, कितने हमारे रिटर्न्स हुए, कितने पैसे हमें मार्केट से लेने हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन उन सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में मेंटेन कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है अकाउंटिंग को बनाने का, ये हमारा फंक्शन होता है, ये हमारी अकाउंटिंग की एक एडवांटेज है कि हम इस अकाउंटिंग की वजह से अपने रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और जो रोल होता है अकाउंटिंग का हमारे बिजनेस में, वो ये भी होता है कि वो हमें हेल्प करता है हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। तो देखिए सबके साथ फिट होता है ये पॉइंट, राइट। चलिए सेकंड पॉइंट को समझते हैं, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे अकाउंटिंग को करने का उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग का रोल क्या है हमारे बिजनेस में, या फिर हमें एडवांटेजेस क्या मिलेंगे अगर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, क्या फंक्शन है। तो सीधा सीधा सा एक जवाब और है कि भाई अकाउंटिंग करने से हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसके बारे में पता चलता है। तो ये पॉइंट भी इन सब में इजीली फिट कर सकते हैं आप। थर्ड पॉइंट है बेटा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। देखो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, हम ये जो सब कुछ काम कर रहे हैं, ये जो सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको समराइज कर रहे हैं, तो ये क्या हेल्प करने वाला है, ये हमारी मैनेजमेंट को बहुत बड़े लेवल पर हेल्प करने वाला है ताकि वो सही डिसीजंस ले सके। ये जब इंफॉर्मेशन उसके पास होगी मैनेजमेंट के पास, तभी तो वो सही डिसीजन ले पाएगी कि बिजनेस में क्या करने की जरूरत है, किस चीज को कम करना है, किस चीज को ज्यादा करना है, वो डिसीजंस मैनेजमेंट ले आएगी अगर उसके पास अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन आएगी। इसी वजह से ये इसकी एक एडवांटेज भी है, हमारा उद्देश्य भी यही है ताकि हम लोग डिसीजंस ले सकें, हमारा फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग का, और रोल ऑफ अकाउंटिंग का एक मेजर पार्ट भी है। फोर्थ है बेटा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। देखो अभी अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स की बात करी थी, इंफॉर्मेशन टू यूजर्स की बात करी थी। तो इंफॉर्मेशन टू यूजर्स का मतलब क्या है, ये वही यूजर्स हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल अभी अभी हम लोगों ने समझे। तो हमारा ये जो अकाउंटिंग करने का पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारे अकाउंटिंग का रोल है, एक मेजर रोल है, वो ये भी है कि हमारे जो यूजर्स हैं उनको हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम लोग सही तरीके से बता सके, प्रेजेंट कर सके, वो तभी कर पाएंगे जब हम लोग अकाउंटिंग को कर रहे होंगे, राइट। और लास्ट पॉइंट इसमें दिया है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। जी हाँ, हमारी अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हम अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है, भाई टैक्स को पे करना है लीगली, है ना, कि कितना कितना हमारा ट्रांजेक्शन हुआ उसके हिसाब से हमारा कितना टैक्स बनता है, लीगल रिक्वायरमेंट है। कल को अगर कोई कस्टमर केस कर देता है, या कोई सप्लायर केस कर देता है, या कोई कॉम्पिटिटर केस कर देता है, तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन है ड्यू टू अकाउंटिंग। तो हमें
उस लीगल रिक्वायरमेंट में ये बहुत हेल्प करने वाला है अगर जरूरत पड़ जाए तो, राइट। तो बस बेटा ये 5 पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए, मैंने समझा तो दिया ही है, इनकी जो डिटेल्स है कि इसमें लिखना क्या है उसका सोर्स भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि कहां पर मिलेगा, आप वहां से वो एक्सेस कर सकते हैं बड़े आराम से, राइट। तो आपको यही सारे इंफॉर्मेशन को सिर्फ लिख करके आ जाना है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको 1, 2, 3 और 4 चार तरह के क्वेश्चंस का सोल्यूशन सीधा सीधा सा ये 5 पॉइंट्स में बता दिया गया है बेटा। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है और इससे क्वेश्चन जरूर आने वाला है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या बताने वाला है ये। जी हाँ, लिमिटेशंस भी हैं हमारी अकाउंटिंग में। एडवांटेजेस तो हम लोगों ने समझ लिए, ऑब्जेक्टिव तो समझ लिए, फंक्शन तो समझ लिए, रोल तो समझ लिए, भाई लिमिटेशंस भी होती हैं। क्या लिमिटेशंस है, चलो बड़ी लेते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, अकाउंटिंग पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होता। कैसे, बताता हूँ आपको। देखिए, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग में हमें बहुत सारी assumptions लगानी पड़ती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को सोच करके अंदाजा लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा कोई एक प्रॉपर्टी है, राइट, मेरी एसेट है, उसे क्या बोलते हैं, एसेट, राइट। उस प्रॉपर्टी की जो लाइफ है वो क्या, भाई मैंने एक बिल्डिंग ले ली तो मैंने एक अंदाजा ही तो लगाऊंगा ना कि भाई ये बिल्डिंग 15 साल तो भाई चल जाएगी, नहीं नहीं 15 नहीं भाई 20 साल चल जाएगी, 20 साल लगा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि मेरा ये जो एसेट है उसकी एक लाइफ स्पैन कितना होने वाला, वो अंदाजा जो मैंने लगाया वो मेरी कैलकुलेशंस में यूज होगा। अकाउंटिंग में हम लोग आगे जाकर के देखेंगे जब हम लोग डेप्रिसिएशन को समझेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो भी एसेट्स होते हैं हमें उनकी लाइफ को एज्यूम करना पड़ता है, तुक्का लगाना पड़ता है भाई, अंदाजा लगाना पड़ता है, राइट। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जो डेटर्स होते हैं, हमने डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमसे उधार में सामान ले लिया, हमने उनसे पैसा लेना है, तो हमें कभी कभी अंदर से ना ऐसा इंट्यूशन हो जाता है यार ये 10 लोग लेके तो गए होंगे, उसमें से ये एक जो बंदा है ना ये बंदा ठीक नहीं है, ये शायद मेरा पैसा वापस नहीं करेगा, वो बंदे का पैसा मेरा मर सकता है। अभी मना नहीं किया उसने देने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है। तो जब मुझे ये लगना लगता है ना, तो उस बात को मैं अकाउंटिंग में कंसीडर करता हूँ। जी हाँ, ये हमारा अकाउंटिंग का रूल बोलता है कि आपको अगर आपको कोई भी अंदेशा हो रहा हो कि लॉस होने वाला है, तो अभी मान लो उसको और उसको कैलकुलेशन में ले आओ, हो सकता है बाद में दे दे, इसलिए मैं एक अंदाजा ही तो लगा रहा हूँ। हो सकता है एक के बदले में 2 लोग ऐसे निकले, तो मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, राइट। ये पॉइंट समझ में आएगा कि ये लिमिटेशन है। सेकंड है, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये जरूर लिख के आना है अगर लिमिटेशन आएंगी, और आना ही है ये पॉइंट, याद कर लो अभी के अभी याद कर लो। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना, उसमें सिर्फ पैसा ही नहीं होता, उसमें बहुत कुछ और इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एक अच्छा स्टाफ का होना। मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा मैनेजर आया, और उस मैनेजर के ऑनेस्टी की वजह से, उसके हार्ड वर्क की वजह से भाई मेरा प्रॉफिट 2 गुना हो गया। हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ जी, हो सकता है भाई। मैनेजर इतना कैपेबल था, एक तो ऑनेस्ट, ऊपर से हार्ड वर्किंग, भाई उसने बहुत मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो जो उसकी ईमानदारी है, वो जो उसकी ऑनेस्टी है, वो जो उसका हार्ड वर्क है, उसको मैं अकाउंटिंग में नहीं नाप सकता ना। तो यही होता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स में ऑनेस्टी आता है, हार्ड वर्क आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अकाउंटिंग उनको काउंट नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता, जबकि वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस में बहुत मेजर इंपैक्ट डालते हैं। मान लो आपका स्टाफ ही बेकार है, फॉर एग्जाम्पल स्टाफ ही बेकार है, तो उस बेकार स्टाफ की वजह से जो काम ही नहीं करना चाहता, सारा दिन बैठ करके चुपचाप मोबाइल्स पर मूवीज देखता है, काम नहीं करता, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता तो है ना। हाँ जी बिल्कुल पड़ता, लेकिन अकाउंटिंग उस चीज को इग्नोर कर देता। तो ये बोलते हैं क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, राइट। तीसरा है, इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब प्राइस लेवल चेंजेस के इफेक्ट को भी इग्नोर करती है अकाउंटिंग। मतलब क्या हुआ भाई, हमारा ये जो अकाउंटिंग होता है ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर चलता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, आपने अगर कोई एसेट 5 साल पहले 10,000 रुपये का खरीदा था, तो भाई आज की डेट में भी मेरी पास उसकी अकाउंटिंग की बुक्स में वैल्यू 10,000 रुपये ही मानी जाएगी, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, जबकि इन्फ्लेशन हो चुका है, मार्केट की वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, आज की डेट में वो 10,000 रुपये वाला प्रोडक्ट 1,00,000 रुपये का हो चुका है या 1,000 रुपये का हो चुका है। मेरा अकाउंटिंग क्या बोलता है, हमें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितना आपने पैसा खर्च किया था उतने पे ही मानना है, तो वो
वो जो प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं, प्राइस लेवल में चेंजेस का एक एग्जांपल और देखो ना, इन्फ्लेशन की वजह से या फिर डॉलर का प्राइस देखो दिन ब दिन चेंज होता है, राइट। अब मैं डॉलर के प्राइस में चेंज कर रहा हूँ, मेरा जो इनपुट आया था वो एक एक्स अमाउंट पर आया था, डॉलर का प्राइस 70 रुपये था, आज की डेट में डॉलर का प्राइस मान लेते 78 रुपीज हो गया, तो भाई वो जो चेंजेस हो रहे हैं ना उससे अकाउंटिंग को कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग तो ये देखता है भाई जिस दिन आपने खरीदा तब कितना पैसा दिया, जिस दिन आपने बेचा तब कितना पैसा मिला, खत्म बात। पुरानी बातों को रिलेट मत करो, चलिए इग्नोर कर देते हैं जी प्राइस लेवल चेंजेस को भी। फोर्थ है बेटा, मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। नाउ विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि भाई जब मेरे पास चांस है थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ी करने का, मुझे अपने यूजर्स को अपना जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत बढ़िया दिखाना चाहता हूँ। शायद ऐसा है तो नहीं, लेकिन मुझे कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, जुगाड़ इंडिया में तो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने क्या किया, कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मेरी अकाउंटिंग के, लेकिन उन फैक्ट्स की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही थी, तो मैंने क्या किया, चुपचाप उन फैक्ट्स को उड़ा ही दिया, दिखाया ही नहीं अकाउंटिंग में। तो मैंने क्या किया, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो मेरा बिजनेस का परफॉर्मेंस है, उसको मैन्युपुलेट कर दिया, उसमें चेंजेस कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि उस पर इंपैक्ट डाल रहे थे मैंने उनको हटा ही दिया। भाई एक लॉस होने वाला था, मुझे पता है वो लॉस होने वाला है, मैंने उसको चुप रहा, बोला ही नहीं, विंडो ड्रेसिंग हो गई। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जब आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा मैन्युपुलेशन कर देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाइड कर देते हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर दिखा सके। तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी अकाउंटिंग में हो सकती है, इसी वजह से ये भी एक लिमिटेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट्स आपने सीखे, ये मोर देन सफिशियंट है बेटा आपके आंसर को देने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखो, किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप क्रिकेट देखिए, क्रिकेट में आजकल ज़माना क्या, पहले था ऑलराउंडर्स का ज़माना, लेकिन आज की डेट में एक्सपर्ट बैट्समैन है, एक्सपर्ट विकेट कीपर है, एक्सपर्ट बॉलर है, तो सब जगह स्पेशलाइजेशन चलता है। पर वही नहीं, डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन भी, एक डॉक्टर होता है जो हर तरह की बीमारी को देख लेता है, लेकिन एक डॉक्टर होता है जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर चीज़ को देखता है, जैसे कि न्यूरोसर्जन, भाई दिमाग का डॉक्टर होता है, दिमाग को ठीक करता है वो हमारे, हार्ट का डॉक्टर, राइट, कार्डियोलॉजिस्ट, वो स्पेशलाइजेशन है। इसी तरह से भाई जब हम अकाउंटेंट्स हैं, जब हम अकाउंटेंट्स हैं तो हमारा भी तो कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। हाँ जी, हम भी स्पेशलाइजेशन लेकर के आएंगे और हमारी अकाउंटिंग में भी स्पेशलाइजेशन होता है बेटा, और इसी स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारी अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज बन गई हैं। पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या मतलब होता है इनका, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो वही है जो भी अभी हम लोग सीख रहे हैं, राइट, जिसमें हम अपने बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक डिफरेंट ब्रांच है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत कब पड़ी, क्योंकि हमारे पास ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो रही है, हम उसमें प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाए, कॉस्ट क्या होगी, जो सर्विसेज हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसके बेसिस पे प्राइस क्या रखा गया है, इन सब चीज़ों की बात नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आ रही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आ रही हैं, इसलिए हमने एक नई ब्रांच खोल दी कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई आपका काम है सिर्फ कि कॉस्ट को मेंटेन करो, कॉस्ट को मेजर करो, कॉस्ट को एनालाइज करो, और उसके बेसिस पर प्राइस क्या रखा जाए हमारे प्रोडक्ट्स का, उसकी बात करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलती है भाई, जो भी प्राइस रखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, उस प्राइस पर कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो उससे ज़्यादा नहीं देखता, ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल आता है। तो ये सेकेंड ब्रांच है, आप एज एन प्रोफेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी जा सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जा सकते हो। और एक नई ब्रांच और इंट्रोड्यूस हुई थी अभी रिसेंटली, जिसको बोला गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा सिंपल सा काम है बेटा। यहां पर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी तो यहां से कुछ एक आपका डेटा निकल करके आया, राइट, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग करी यहां से कुछ दूसरा डेटा निकल के आया, इन दोनों डेटास को यूज कौन करता है, मैनेजमेंट करती है ना, तो वो भी हमारी अकाउंटिंग कर रही है, राइट, तो वो क्या करेंगी, इन दोनों के डेटास को यूज कर करके डिसीजंस लेती है, डिसीजंस, राइट, और भी बहुत सारे काम इसमें देखे जाते हैं कि कैसे परफॉर्मेंसेस चल रही है,
क्या क्या डिसीजंस लेने की जरूरत है, क्या क्या चेंजेस की जरूरत है बिजनेस में, तो ये एक डिफरेंट ब्रांच है। ऑल दो सिलेबस में आपको डिटेल नहीं पूछेगा, इसमें आपसे बस इतना ही छोटा छोटा सा जो मैंने आपको बताया वही पूछेगा। नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में अनाउंस कर दूंगा। तो ये सारी बातें हमें पूछी जाएंगी बेटा हमारे एग्जाम्स में। तो यहाँ पर अगर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आ जाए तो तीन तरह की ब्रांचेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चलिए यहां तक हम लोगों ने आज के अपने सेशन में कर लिया। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और है बेटा इसी चैप्टर में, जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, अब तीन ऐसे टर्म्स आने वाले हैं जिनको हमारी अकाउंटिंग में अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे कि बुक कीपिंग। नाउ व्हाट इज बुक कीपिंग, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है बेटा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, और एक होता है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी। ये तीन तरह के टर्म्स हैं जो कि आपस में कोरिलेटेड है, आपस में इंटर रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंट भी हैं। जी हाँ, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है और इससे क्वेश्चन अक्सर आता है बेटा हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बुक कीपिंग का क्या मतलब है। देखो आप याद करो अपना पहले वाला सेशन जो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, जिसमें हमने पूरे अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझा था। वहाँ पर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ये जो तीन काम हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों काम जब खत्म हो जाते हैं तो इसका मतलब मैंने अपनी बुक कीपिंग को कर लिया। बुक कीपिंग का मतलब ये हुआ बेटा, जब हम लोग अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में उन ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक फॉर्मेट्स में, एक प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, तो वो काम हो गया हमारा बुक कीपिंग का। बस वही बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद वो जो समरी बना करके इंटरप्रेट करके कम्युनिकेशन करने वाला काम है वो अब आपका नहीं है, अगर आप बुक कीपिंग करते हो तो। यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है बेटा, कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं है वो, अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है जो कि डेटा को अकाउंटिंग की बुक्स में लाने तक का काम करता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, एग्जेम्प्शंस को फॉलो करते हुए। अब अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग तो आता ही है, बुक कीपिंग तो बेटा इसमें आता ही है, प्लस इसमें आगे की भी चीजें आती हैं, जैसे कि इसको इंटरप्रेट करना, उसको कम्युनिकेट करना। याद कीजिए ना, पिछले प्रोसेसेस को आपने याद करा होगा, वो बहुत ज़रूरी है, पहले वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं अकाउंटिंग। इसका मतलब इस अकाउंटिंग में सारे प्रोसेसेस आते हैं, और वो जो शुरू के तीन प्रोसेसेस हैं जिसमें आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग है, वो सिर्फ बुक कीपिंग कहलाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा हमारे को। ये जो बुक कीपिंग होता है ना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी स्किल्स की जरूरत नहीं है, कोई भी एक मतलब दो तीन महीने अगर आपने अकाउंटिंग को थोड़ा सा समझ लिया, थोड़ा बहुत आपको मैंने सिखा दिया कि बेटा ऐसे 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 ये बुक्स बना दो, ऐसे ऐसे जर्नल एंट्रीज कर दो, तो आप भी बुक कीपिंग कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग को पूरा करने के लिए एक अच्छी खासी पूरी अकाउंटिंग को सीखना पड़ेगा, आपको तीन चार साल पहले अपने आप को रगड़ना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर, तब जाकर के आप सही से अकाउंटिंग कर पाएंगे। राइट, अब व्हाट इज अकाउंटेंसी देन। देखो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। क्या है, नॉलेज, मतलब हमें अकाउंटिंग कैसे आएगी, हमें अकाउंटिंग में क्या क्या करना है, हमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को, कौन कौन से अजम्पशंस को फॉलो करना है, ये कौन बताएगा भाई, वो अकाउंटेंसी बताएगा। अकाउंटेंसी हमें नॉलेज देता है ताकि हम लोग अकाउंटिंग कर सकें। आगे बात समझ में, तो इन तीनों का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया। बुक कीपिंग क्या करता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफिकेशन करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग तो करता ही करता है, यानी बुक कीपिंग के वो तीनों प्रोसेसेस करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेट करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कंप्लीट अकाउंटिंग करता है। और अकाउंटेंसी हमें बताता है कि भाई अकाउंटिंग की कैसे जाती है, बुक कीपिंग की कैसे जाती है, वो एक नॉलेज को बताता है। राइट, कि कैसे हमें इन चीज़ों को
करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको याद करना है। अब बात करते हैं इनके नोट्स की। अगर आपको इसके नोट्स को एक्सेस करना है तो आप मेरी वेबसाइट touchforcareer.com पर जाकर के इन सभी नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये सभी के सभी नोट्स आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बेटा। आप साइट पर जाएं, वहां पर इन नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो ये वीडियोज हैं, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका इंफॉर्मेशन इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कभी भी करें और मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अभी समझ में आ चुका होगा। यहां पर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है बेटा। आगे के टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। थैंक यू वेरी मच।